रोज़े अव्वल से शहीदे नाज है बज़्मे वजूद, है नयाज़े इश्क का मज़हर नेहादे हस्तबूद। तूने क्या देखा नहीं खुद अपनी आँखों से के है मेहरे रक्षा से जबीं सुबह पर दागे सुजूद। कह रहे हैं सारी कायनात अल्लाह ताला की किब्रियाई पर निसार है, बंदगी तमाम मौजूदात की सरिश्त में है। दस्तूर कदीम के मुताबिक इकबाल ने इसमें हमद बारी ताला बयान की है, क्या तू नहीं देखता कि आसमां को चमकाने वाला सूरज सुबह के माथे पेशानी पर सजदे के निशान दाग है। इससे ये मुराद है कि सुबह की रोशनी सूरज की मरहून मिन्नत है, अगर सूरज ना होता तो सुबह की रोशनी भी ना होती, और अगर खुदा ना होता तो आफ्ताब भी ना होता। यानी सारी कायनात अपने वजूद और बका में खुदा की मोहताज है। इसमें वहदतुल वजूद का मज़मून पिन्हा है। शहीद नाज इसमें खालिस तखज़ुल का रंग है, शोरा से आशिक मुराद लेते हैं। नाज कहते हैं अंदाज़े माशुकाना, रंगे महबूबी, शान बेनियाजी। शहीद नाज किब्राई पर निसार, बज़्म वजूद यानी कायनात। नियाज कहते हैं रंगे आशिकी। हस्तोबूद यानी हस्ती यानी तमाम मौजूदात। दागे सुजूद सजदे का निशान। दिल को देता है मेरे ताबंदगी सोजे दुरू, मेरी आँखों को बनाता है जहाँ बीन अश्के खून। जिंदगी के रम से वो क्यों ना हो बेगाना तर, इश्क को जो बंदा नादा समझता है जुनून। बाल कह रहे हैं मेरा दिल जो है वो बातिन की आँख से रोशन है, और मेरी आँख खून के आंसुओं के बाइस दुनिया देखती है, यानी रमूज़ इसरार जहाँ को देखने वाली है। खुदा करे जिंदगी के राज से और भी बेखबर रहें वो शख्स जो इश्क को पागलपन कहता है। बाग में बादे बहार जहाँ फजा लाता है इश्क, फूल को परवीन सिफत सहरा में चमकाता है इश्क। है शुआएं आफ्ताब इश्क की कुलजम शिगाफ, राह माही को दरून बहर दिखलाता है इश्क। इश्क बागों को बहार की हवा देता है, इश्क जंगलों को सितारों की मानिंद गुच्छे ऐसी कलियां सफ़ेद गुंचे बख्शता है। उसके सूरज की किरण समंदर की गहराई को चीर जाती है, और इश्क समंदर में मौजूदा मछली को रास्ता देखने वाली आँख अता करता है। मुराद ये है कि कायनात में हर जगह और हर शय में इश्क ही की जलवागरी है। खाक में मिलती है शाहीनों की कदरों मंजिलत, जब चकोरों में खुदी बेदार कर देता है इश्क। जिस कदर भी दिल मेरा अपनी निगहदारी करे, पर कमीन गाह से निकल के बार कर देता है इश्क। इश्क उकाबों का मोल घटा देता है, इश्क की नज़र में उकाब की कोई शय नहीं। इश्क चकोरों को बाजों पर फौकियत देता है। मुराद है इश्क किसी को खातिर में नहीं लाता, हमारा दिल अपनी बहुत हिफाजत करता है, लेकिन इश्क इसी की घात से निकल कर जश लगाता है, हमला कर लेता है। इश्क यानी जज्बा मोहब्बत एक फितरी जज्बा है जो हर इंसान में कार फरमा है। बर्ग में लाले के रंग आमेजियां हैं इश्क की, मेरी जान पर ये बला अंगेजियां हैं इश्क की। तू अगर इस खाकदान को करके देखे वाशिगाफ, इसके अंदर किस कदर खून रेजियां हैं इश्क की। गुले लाला की पंखड़ियों में इश्क की रंग आमेजी है, हमारी जानों में इश्क की बलांगेजी है यानी शोर है। अगर तू इस जमीन को चीरे तो तुझे इसके अंदर इश्क ही की खूनरेजी नज़र आएगी। मुराद कायनात में हर जगह इश्क ही की हुकूमत है। बरगे लाला कहते हैं गुले लाला की पनखड़ी। रंग आमेजी मुख्तलिफ रंगों को बहाम मिलाना। इससे हर आदमी होता नहीं है मायादार, जुन्नहार आती नहीं सबको मोहब्बत साजगार।
लाला उगता है जिगर पर दागे ताबिंदा लिए, रहता है लेकिन दिले लाल बदखशां बेशरर। हर शख्स मोहब्बत की दौलत नहीं रखता, ना मोहब्बत हर किसी को मवाफिक आती है। गुले लाला जिगर चमकाने वाला दाग लिए उगता है, मगर लाल बदखशां के दिल में कोई शरारा नहीं है। मायादार कहते हैं दौलतमंद दागे जिगर ताप जिगर को चमकाने वाले दाग, बेशरम बेसोस चिंगारी के बगैर ठंडा। गर्चे मुश्त गुल है दुनिया, हासिल दुनिया है दिल, और इस एक खतरे खून से वो किस मुश्किल में है। माजरा ये है कि खूगर है दो बीनी की निगाह, वरना हर इंसान की दुनिया खुद उसके दिल में है। इकबाल कह रहे हैं ये जो दुनिया है ये मुट्ठी भर मिट्टी खाक है और दिल इसका हासिल है, और यही एक बूंद लहू की जो है यही उसकी एक मुश्किल है। और माजरा यह है कि हमारी नज़र जो है दो जहां और दिल दोनों को अलग अलग देखती है, लेकिन हर इंसान की जो दुनिया है ना वो उसके दिल में होती है। सुबह दम माली से बुलबुल कह रहा था बाग में, एक निहा गम है ये मिट्टी जिसे रास आती है, खार सहरा में पहुंच जाता है पीरी तक, मगर गुल जवां होने नहीं पाता कि मौत आ जाती है। सुबह के वक्त बुलबुल ने बागबान से कहा कि इस मिट्टी में गम के पौधे के और कुछ नहीं उगता, बयाबां का कांटा बुढ़ापे तक पहुंच जाता है, लेकिन गुलिस्तां का फूल जवां होते ही मर जाता है। मैसेज ये है कि हुस्न एक जवाल पजीर शय है, दुनिया में दिलकश और हसीन अशिया को सबात और करार नहीं। मैसेज इस रुबाई का यही है कि हर चीज़ को जवाल है, हर खूबसूरत चीज़ को जवाल है। नेस्ती है मुनसलिक दुनिया की हस्तबूत से, हैं ज़िया भी हर घड़ी वाबस्ता इसके सूद से, हर पुराने को नया कर तरह दीगर अजमा, दिल मेरा उकता गया है इसके दीर वजूद से। हमारा जहां जिसका होना ना होने के बराबर है, नुकसान यहां के फ़ायदे का हमजाद है, यहां फ़ायदे के साथ नुकसान भी बढ़ता है। इस पुराने को नया कर और दूसरी नई बुनियाद डाल, हमारा दिल इसके आब और ताप को गवारा नहीं करता। जाने क्या मैं ढूंढता हूँ, किसकी ख्वाहिश है मुझे इस गुलिस्तां में, परेशान मिसले बू रहता हूँ मैं, आरजू मेरी बर आए या ना आए जो भी हो, हाँ शहीद सोज व साज आरजू रहता हूँ मैं। इकबाल कह रहे हैं मैं इस दुनिया में खुशबू की तरह सरगरा परेशान हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या ढूंढता हूँ, किसे तलाश करता हूँ, मेरी आरजू बर आए या ना आए, पूरी हो या ना हो, मैं तो सिर्फ आरजू के सोज व सास का मारा हुआ हूँ, सोज व सास पे मरता हूँ। यानी हर शख्स जो है वो आरजू में गिरफ्तार है। दहर में है नगमा हाय इश्क का साजे आदमी, खोलता है राज लेकिन खुद भी है राज आदमी, एक ने पैदा किया एक ने बनाया खूब तर, है मगर कारे जहां में रब का अंबाज आदमी। इश्क के नगमे के लिए आदमी साज है, इश्क के नगमे इंसान ही के दिल से फूटते हैं, आदमी खाली के हकीकी के भेद को खोलता है मगर खुद राज है। अल्लाह ताला ने दुनिया पैदा की और इस आदमी ने इसे खूबतर बनाया। शायद आदमी खुदा का हमकार है, गोया खालिक का शरीक कार है। नवाइश कहते हैं इश्क का नगमा, साख्त उसने बनाया। अंबास कहते हैं हमकार शरीक माविन रफीक कार। इंतहा की है ना मुझको इब्तिदा की जस्तजू, राज खुद भी हूँ जहान रास का जोया हूँ मैं, मुझ पे गर राज हकीकत को कभी अफशां करें फिर यही होगा
के वहमो फिकर में खोया हूँ मैं, ना मुझे अंजाम की तलाश है ना आगाज की, मैं खुद तमाम का तमाम राज हूँ और जहाँ ने राज को ढूंढता हूँ। अगर हकीकत के चेहरे से पर्दा हटा भी दें तो भी मैं इसी तमन्ना को फिर से तलाश करूँ। नोट: इंसान अकल की मदद से कभी अपनी हकीकत से आगा नहीं हो सकता, अकल उसे हमेशा शक व शुबे में मुब्तला रखेगी। ये तेरा नाराये परवाना ऐ दिले ताबे के, इश्तनाब अशेवाए मर्दाना ऐ दिल ताबे के, मर्तबा चाहिए तो अपनी आँख के शोले में जल, ये तवाफ़े आतिश बेगाना ऐ दिल ताबे के। ऐ दिल परवाने की सी नादानी कब तक, कब तक बेअकली से बेमकसदियत की ज़िंदगी बसर करता रहेगा, तू कब तक मर्दों का अंदाज इख्तियार नहीं करेगा, कब तू हिम्मत से काम लेगा, एक बार खुद को अपनी आग में जला, दूसरे के शोले का तवाफ कब तक करेगा, गैरों की आग का तवाफ तू कब तक करता रहेगा। अपनी मुश्त खाक से पैदा कर ऐसा तन के हो, जिसकी शान इस्तेकामत से खुजल संगी हिसार, इसके अंदर एक दिले गम आशना और दर्दमंद, जिस तरह कोसार की आगोश में हो जुए बार। इकबाल कह रहे हैं, इस मुट्ठी भर खाक से एक ऐसा बदन पैदा कर जो किले से ज़्यादा मजबूत हो, मगर उसके अंदर दर्द से आशना दिल हो, जैसे किसी पहाड़ के आगोश में एक नदी। जो शख्स अपनी खुदी की तरबियत नहीं करता, अपनी सलाहियतें नहीं बढ़ाता, अपने आप को स्ट्रांग नहीं करता, वह इंसान होने के बावजूद एक मिट्टी से ज़्यादा उसकी कोई कीमत नहीं है। मुश्ते गुबार कहते हैं, एक मुट्ठी भर खाक मोहकम तर ज़्यादा मजबूत, संगी पत्थर का बना हुआ। हिसारे कहते हैं एक किले को, और जुए बार यानी एक नदी। आब व खाक व बात से अल्लाह की कुदरत ने एक आलम ज़ेबा इरम से खूब तर पैदा किया, मेरे साकी ने मगर आतिश से मेरे खाक की, एक जहान नौ बा अंदाज दिगर पैदा किया। अल्लाह ताला ने मिट्टी और पानी से क्या हसीन पैकर तराशा, खूबसूरत कायनात तख्लीक की, जन्नत से ज़्यादा खुशनुमा दुनिया बनाई। लेकिन साकी ने अपने पास की आग आतिश इससे मेरी खाक से एक और ही आलम तामीर किया, एक नया जहां पैदा कर दिया। साकी से मुराद अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आतिश से कुरान मुराद ली जाए, तो रुबाई का मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया आबो गिल से बनाई और बिलाशुबा बहुत खूबसूरत बनाई, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हकीम की बदौलत बनी आदम के अंदर ऐसा अजीम शान इंकलाब पैदा कर दिया कि हम कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल नई दुनिया पैदा कर दी।